उसके तो लग गए। You're very lucky. भाई आपन के ट्रक के एक ही टक्कर में एसी पी राम और फाइल दोनों चल के राख हो गए ले। तू इधर क्या कर रहा है? इधर मर्डर होंगे लाए, चल निकल। देखा अपन ने कैसा उड़ाया गाड़ी को, बेकार में परेशान मत हो, चल जा बेटा, जल्दी गाड़ी निकालो बे, भाई का जुलूस निकल रहा है। मुझे मारना चाहता था। क्यों भी? अबे यार तुझे बोल। अरे अरे बोल। सुन अरे काय को मारूंगा मैं। मुझे मारने की कोशिश करोगे तुम्हारी तुम। अरे तेरे को कौन मारना चाहता है? एसीपी राम को मार रहा था। अरे यार एसीपी राम की गाड़ी में तेरे को कौन बैठने बोला? जिसे अपन मारना चाहता है वो तू नहीं है, समझा? देवा, लगता है अपन की बात ये समझ गया। बाबा Yeah.
मारना चाहता है ना तू? तू तो गया। मैं तो नॉमिनेशन भरने के लिए जा रहा था। मेरा नॉमिनेशन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। You are finished। मेरे भैया को मारने की सोच से ही तेरी जिंदगी उल्टी लटक गई है और तू मुझे धमकी दे रहा है। इस बार पैरों से लटका है तू, अगली बार गले से। तो जितना आसान समझ रहा उतना आसान नहीं है। तूने गलती कर दी है साले। मेरे बारे में तू पूरी तरह नहीं जानता, ये मानो। अब कुछ मत बोल। अपने बारे में मुझे बताकर और मेरे बारे में जानकर कोई रेस शुरू मत कर, क्योंकि रेस के घोड़ों पर लगाम लगी होती है, लेकिन मैं बेलगाम। मैं हूँ माधव शिवा रेड्डी। क्या यार, माधव शिवा रेड्डी, नाइस नेम, माधव शिवा रेड्डी। Nice meeting you, Mr. Madhav Shiva Reddy. I am Lakshman Prasad, मगर ये नाम सुनते ही मेरा दिमाग घूम जाता है। Call me Lucky. Just Lucky. Shiva Reddy का nomination miss. Shiva Reddy पर किसी गुमनाम व्यक्ति ने अटैक किया और शहर के बाहर पीट कर फेंक। Shiva Reddy को मारने वाला कौन है? वो सभी जानकारी अभी मिलना बाकी। शिवा रेड्डी के चाहने वाले सड़क पर उतर कर उनके लिए बहुत हंगामा कर रहे हैं। चुप हो जाओ। गुंडागर्दी करता था तो शेर की तरह जीता था, राजनीति में आया है तब। राजनीति तेरे बाप की जायदाद है क्या? मंत्री बनना मेरे बेटे का सपना है और वो पूरा होगा। अगर इस शहर से तुम्हें प्यार है तो मुझे यहाँ से वापस भेज दो, नहीं तो यहाँ भूचाल आ जाएगा। आज ही एक की बलि चढ़ा कर आया हूँ और दूसरी बलि यहाँ चढ़ेगी। मेरे बेटे पर हाथ उठाने वाले को ढूंढो। कौन था वो ससुर कनाती? छिछी, तुम्हारी नजरों के सामने वो पुलिस की जीप लेकर चला गया और तुम खड़े खड़े देखते रह गए। तुम तो शिवा रेड्डी की खटिया खड़ी करने वाले थे ना? आपका हो गया, जीप भी गई और फाइल भी गई। शिवा रेड्डी को उसके किए की सजा मिल जाएगी जब उसके पापों का घड़ा भर जाएगा। उसके पापों का घड़ा खुद ही भरना था, पुलिस की क्या जरूरत थी सर?
आप, मैं, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जाकर मंदिर में भजन करते हैं, चलिए। बेवकूफों जैसी बात करते हैं, नहीं छोड़ूंगा सर। जीप और फाइल की वजह से शिवा रेड्डी सलाखों के पीछे नहीं जा पाया, और जिसकी वजह से मेरी बेइज्जती हुई, मैं कसम खाता हूं मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे वर्दी की कसम सर। वर्मा सर, सिटी के सभी सीसी कैमरास के फुटेज निकालो, जीप ले जाने वाले का एक क्लू मिल जाए काफी। सर सर सर, जीप शिवा रेड्डी के आदमी ही ले जा सकते हैं। ये उन लोगों का काम नहीं होगा, शिवा रेड्डी अरेस्ट होने वाला ये बात किसी को नहीं पता थी। ये किसी ऐसे इंसान का काम है जो डिपार्टमेंट को बदनाम करना चाहता है। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सिर्फ हमारी जीप ही नहीं गई वर्मा, एक सिंसियर ऑफिसर की उम्मीद, एक बाप का बेटे पर भरोसा सब गया। ये जीप तो हमारी जान ले लेगी यार, तेरा भाई सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक कर रहा है, पकड़े गए तो क्या होगा। लेकिन तुझे क्या हुआ? शिवा रेड्डी का बाप शहर में आ गया है, वो उसे मारने के लिए ढूंढ रहा है जिसने उसके बेटे को बुरी तरह से पीटा। उसे हमें ढूंढने की क्या जरूरत है, मतलब मैं तो खुद उससे मिलने जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं तो मिलेगा, उसकी बलि का समय आ गया है, जाओ ढूंढो, ढूंढो उसे। उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारे बेटे को मैंने ही मारा है। सोचा आपसे आकर बात करें। आपको मैं अपनी कहानी बताता हूं सर। मेरे माँ बाप के हम दो बेटे हैं, मैं और मेरे भैया। हम दोनों के बीच बचपन से एक पल भी नहीं जमती थी, हर वक्त एक दूसरे से झगड़ा करते थे, जैसे एक ही घर में एक दूसरे के दुश्मन जन्मे हो। एक रोज झगड़ा थोड़ा सा पर्सनल, उसने मेरे प्यार को तोड़ने की कोशिश की, बर्दाश्त नहीं कर पाया, मेंटल हो गया सर। प्यार से बात ईगो पर आ गई। मैंने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो उसे उसकी नौकरी से अलग करना है, और इसीलिए उसकी जीप लेकर मैं भाग गया। और तब मैंने सोचा भी नहीं था कि उसकी जीप पर कोई हमला करेगा। किसने किया, क्यों किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। लेकिन बचने के बाद पता चला कि वो मुझे नहीं बल्कि मेरे भैया को मारने के लिए आए थे। मेरे भैया को मारने के लिए आए थे। फिर क्या सर, मेरा माइंड पूरी तरह ब्लैंक हो गया। मेरा ब्लड कितने हजार किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा था मुझे खुद नहीं पता। उस वक्त भैया पर जो गुस्सा था, उनसे बदला लेना था, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस एक चीज दिमाग में बैठ गई कि जिसने भैया को मारने की कोशिश की उसे खत्म कर। जीप पर जिन्होंने हमला किया उन्हें मैंने बेरहमी से पीटा, लेकिन उन्हें मैंने मौत नहीं दी। और इतना सब हो जाने के बाद मुझे एक छोटा सा डाउट आया, मेरी तो भैया से बनती नहीं थी, तो मैंने ऐसा रिएक्ट किया क्यों? मैं आपके बेटे को मारने वाला था, अजीब बात है, पता है क्यों? हमारे खून के अंदर मैजिक ही कुछ और है। इतने दिनों से मेरी और भैया की बनती क्यों नहीं, बनती क्यों नहीं, बनती क्यों नहीं, यही सोचता था मैं। हम दोनों की कब की बन गई थी सर, हमारे बीच जो झगड़े हुए वही हमारा प्यार है। आपको मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मेरे बारे में अच्छी तरह जान सकें। इन सारे झगड़ों को यही रोक दीजिए, आप मुझे, मेरे भैया को या मेरी फैमिली को तंग मत कीजिए। नो सर, मैं कोई वार्निंग देने नहीं आया हूं, बस इतना कहने आया हूं कि हम सब खुश रहें। ओके, अब यही बात अगर मैं आपके बेटे से कहूं तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी गुस्से में होगा ना, पर आपको बेटे के पिटने का दुख है ना, आप समझ जाएंगे। अक्सर जो इंसान गुस्से के बजाय दुख में होता है ना, वो बातों को बेटर समझ पाता है। रोक दीजिए अब ये सब, अपने बेटे को समझाइए, चलता हूं। मेरे माँ बाप के हम दो बेटे हैं, एक मर भी गया तो कोई बात नहीं, आपके पास सिर्फ एक है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे।